ये देखिए जी, मेरा ये गोला कबाब बना लिया मैंने अब तो। तो हम लोग मार्केट से वापस आए हैं, तो मगरिब हो चुकी थी, नमाज़ पढ़ी हम लोग जी। मैं आ गई हूँ अनाया को लेने के लिए, अनाया का ट्यूशन से फारिग हो गई, अब उसको लेने आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आया हो आप सब ठीक होंगे? तो मेरे घर में आज गेस्ट आ गए, तो अब मैं बनाने लगी हूँ चाय वगैरह। मेरी दोस्त आई है, उसकी बेटी आई है, तो ये नए और वो सारा दही भले और सारी चीज़ें वगैरह निकाल रहे हैं, समोसे रोल। तो अभी मैं अभी चाय बना रही हूँ, तो चलिए मेहमान आए तो बस अभी हम लोग चाय शाय बना पी रहे हैं, अनाया उधर बैठी हुई है जी। मैं आ गई हूँ अनाया को लेने के लिए, अनाया का ट्यूशन से फारिग हो गई, अब उसको लेने आई हूँ। और इधर से जाएंगे हम लोग मार्केट, और वो कहती है कि मैंने ना खाना है पान, दो दिन से मेरे पीछे पड़ी हुई, मैंने पान खाना है। अल्लाह जाने पान का क्या, इसको पड़ गई है शौक। बहरहाल चलो अब क्या हो सकते है। तो ये मैं आ गई, अभी मैं हरन देती हूँ, आ जाएगी भाई। और ये दरवाज़ा खो रही है, आ जाओ जल्दी से। क्या अभी मम्मा पेट्रोल डलवाने जा रही हैं, उसके बाद मम्मा मुझे मार्केट लेके जाएंगी, पान लेके देंगी। मेरा पान खाने का बड़ा दिल कर रहा था मुझे ना, पर पता नहीं क्यों पान की एकदम से बैठे बैठे ना एकदम से बस सोने लग जाती है, ज़रूरत होता है मुझे पान एकदम से। अभी हम लोग पेट्रोल डलवाने आए हुए हैं, ये शेल का पंप अभी तक बंद नहीं हुआ, नहीं बंद होना था ना अभी। देखते हैं आगे, देखते हैं कि जाते हैं पान वाली शॉप पे। भी हम पान वाली शॉप पे आ गए नवाज पान वाले से। हाँ जी नवाज पान वाले से मार्केट में। और मम्मा आपका आज कैमरा भी बहुत क्लियर आया है, वाह बहुत यार आया। नवाज पान वाला उधर है, एक मिनट में गाड़ी तो लगा लूँ बेटे, बहुत रश है आज तो। आगे है वो शॉप और मैंने इधर गाड़ी खड़ी की है, तो अभी जा रहे हैं हम लोग। ये मार्केट के हालात है, ये देखें जी यहाँ पे पानी पान बने हुए हैं, रखे हुए हैं। देखो सारे पानी पान है, ये देखें कितने ज्यादा पान की, और क्या क्या ये वैरायटी है इनके पास, देखो क्या क्या चीजें रखी हुई है ना, बीच में क्या क्या डालते हैं, और ये सारे मीठे पान रखे हुए हैं। तो चिप्स वगैरह भी है, जिसने चिप्स खा रहे वो चिप्स खाया है, कोई जिसने पान खाना है वो पान खाए। हेलो अच्छा सही है, ये मुख्तलिफ कीमती हैं या वैसे ही? अच्छा 100 पीस ही है, अच्छा ठीक है, अच्छा वो एक तो दूसरा होता है ना, अच्छा ठीक है। चले हमने ले लिया पान, तो मजे का इनका पान मजे का था ना, और किसी का नहीं मजा क्या था। चलो हम चलते हैं फिर। चलो जी हम लोगों ने देखे पान यहाँ पे, ये सारे मैक्सियाँ वगैरह और ये शर्ट्स वगैरह हैं, ये अच्छी नहीं बस ये शर्ट्स वगैरह बच्चों की पर्स वगैरह लगे हुए हैं, ये और बड़े अच्छी पर्स हैं, ये और बहुत कम कीमत में मिलते हैं, 1000 रुपीस तक का है वो, इस तरह अच्छे हैं बस। चलो ये सामने देखिए कितने ज़्यादा फूल हैं और इतने खूबसूरत लग रहे हैं, सब फूल ही फूल, फूल ही फूल अच्छे लग रहे हैं। चलो अब हम लोग चलते हैं, सामने चीज़ें ले रही हैं, इसके बाद देखिए कितने खूबसूरत ये है,
रोटियां रखने वाले रोटियां रखने वाले छाबे किस तरह दिए अंकल? ये गोल्डन वाले का वो 500 रुपए। अच्छा ये वाली जरा महंगा है, 1000 रुपए ये आ जाया ताजा माल। अच्छा है क्या लेने? पिस्तौल क्या करेगी पिस्तौल का? 100 रुपए वाली कैप रहने दो पिस्तौल को। तो हम लोग मार्केट से वापस आए हैं, तो मगरिब हो चुकी थी, नमाज पढ़ी है हम लोगों ने, नमाज पढ़ी है तो अभी हम छत पे आए हैं। आज मैंने सुबह मशीन लगाई थी, ओह सांस फूल गई है, सीढ़ियाँ चढ़ के आई हैं, तो अभी मैं अपने कपड़े उतारने आई हैं। तो हवा ज़रा भी नहीं चल रही, गर्मी आज भी बहुत है, तो बहुत गर्मी है। तो ये अब कपड़े उतारती हूँ, और वो देखे सामने चर्च है, ये हमारे घर से थोड़ा सा दूर आगे ये चर्च है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ऊपर इनकी इतने ज़्यादा कबूतर्स हैं, इतने ज़्यादा, इतना गंद करती हैं, हमारे घर में इतना गंद आता है, इतना गंद माहौल है यहाँ पे। अनाया को देखें, अनाया की देखो सात भाई की फूल देखो, ये वाला कितना खूबसूरत लग रहा है, ये वाला जो बहुत प्यारा नहीं होता। हाँ। ये सात भाई ने लगाए हैं सारे, तोड़ने ना तोड़ना ना, इतना खूबसूरत लग रहा है, और इतनी प्यारी इनकी वो है खुशबू, इतनी प्यारी है। अच्छा ये उन्होंने लगाया हुआ है वो न्याजबो और पता नहीं क्या होते हैं। हाँ एक ये पता नहीं क्या, ये भी न्याजबो है ना क्या, पता नहीं इसका दूसरा नाम क्या है, मुझे नहीं पता। नहीं, ये, इसमें भी कुछ लगाया था उसमें, यहाँ पे चिड़ियों का। और यहाँ पे मैं आज थोड़ा सा बात करना चाह रही थी, मैं अपने इंडियन बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि मेरी वीडियो बहुत देखते हैं इंडिया में लोग सब, और बहुत पसंद करते हैं, और उनका मैं दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक्स। मैं बहुत खुश होती हूँ कि इंडिया में भी हमारे जो है ना बहन भाई जो है हमारी वीडियोस को देखते हैं, उनका कल्चर और हमारा कल्चर सेम ही है, खाने भी सेम है, तो रहना सहना भी सेम ही है, तो बस एक दीवार है जिसके उस पार वो लोग हैं, इस पार हम लोग हैं। बहरहाल मैं सबका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं आज जब शाम को गई थी तो मैं ना गोश्त लेके गई थी वहाँ पे बुचर के पास, क्योंकि वो ये गोश्त आया था मेरे ससुराल से। तो अब मैंने कहा ये मैं क्या करूँ गोश्त को, गोश्त क्या करूँगी, तो अब ये मैंने सारा कीमा करवाया है, कीमा करवा के तो अब मैंने बनाने लगी हैं इसके सीख कबाब और चप्पल कबाब और काफ्ता कबाब जिसे गोल कबाब होते हैं, गोला कबाब जिसे कहते हैं। तो ये अभी मैं लगी हुई है रात की, अभी 10-11 बज रहे हैं, तो अब मैंने कहा ये अब मैंने निकाला हुआ है फिर कीमा बना के, तो अगर फिर मैं फ्रीज करूँगी तो फिर इसमें पानी हो जाएगा, तो मैंने अगर चल बना लेती हूँ। ये देखिए अब मैंने कीमा था, ये गर्म मसाला डाला है, ये हरा मसाला डाला है, प्याज और हरी मिर्ची मैंने, और पुदीना और धनिया मैंने थोड़ा सा था घर पे और था ही नहीं इस वक्त। मैंने क्या किया कि ग्राइंड किया मसाला ये वाला फूड प्रोसेसर में, तो ये मैंने पीस के बिल्कुल पीस के, तो फिर मैंने कपड़े में डाल के ना, तो फिर इसे निचोड़ कर इसका सारा पानी निकाला है, ताकि पानी इसमें जब होगा ना तो वो कबाब टूट जाएंगे, तो इसलिए मैं ना वो किया है निचोड़ लिया था पानी सारा। हरी मिर्ची भी है, अभी गर्म मसाला है, अब कुटी हुई मिर्ची डालूँगी, सूखा धनिया डालूँगी, सूखा साबुत धनिया ये मैंने मंगवा के रखे हैं डब्बों में, इसलिए नहीं डाली कि मौसम इतना गंदा हुआ है आजकल कि वो कीड़े पड़ रहे हैं, तो वो मैंने कहा अभी जो नए मसाले जो लेके आई हूँ उनको मैं ज़रा भी नहीं डालती, तो सारे डब्बे धो के सारे कीड़े वगैरह ख़त्म करके, फिर वो जो काले काले बीज में छोटे छोटे आ जाते वो आ रहे, तो ये बस अब मैं कर रही हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है जिसकी याद नहीं लगी, मैं ये गोश्त अब आ गया था और ये, तो अब देखती हूँ क्या होता है। ये देखिए जी मेरा ये गोला कबाब बना लिया मैंने, अब तो अब गैस हमारे नहीं है कि मैं इनको थोड़ा सा जो है ना वो हाफ डन करके रख दी थी, तो सोते जैसे करती है थोड़ा सा तो वो रख कर दी थी, और ये ऑयल था, ये कीमा बच गया, अभी इसका मैं बनाऊंगी दूसरे कबाब, चप्पल कबाब बनाया कोई कुछ ज़्यादा पसंद है तो वो बना के रखूँगी, तो मेरे पास सीख नहीं थी तो मैंने ये पेंसिल से बनाए हैं। तो इसी के साथ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।